सिख चैनल देख रही समूह संगतां नूं हरशपाल सिंह पाल दी प्यार भरी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें आप जी सब जानते हो कि तुहाडा MLA प्रोग्राम जो सिख चैनल तो चलता है, उस मुताबक असीं आप जी नूं एक महान शख्सियत, समाज के बहुत सारे प्रचारक, समाज सुधारक MLA साहब श्री चुनी लाल भगत जी, जो MLA होंदे होंदे मंत्री भी ने, मंत्री स्थानक सरकारां, अते दूजा महकमा इन्हां दे कोल है मेडिकल एंड रिसर्च मंत्री पंजाब। सो समाज की बहुत सेवा कर रहे ने पंजाब विच। इन्हां ने अपनी सारी जिंदगी अपनी सियासत दे नाल समाज का भला करन वास्ते, लोगों की सेवा वास्ते इन्होंने ला दिता है, और लगातार अणथक सेवादार ने, समाज के लोगों का भला करते ने, हर वेले तत्पर रहिंदे ने कि लोगों की सेवा की जाए। सो अजिही महान शख्सियत दे आप जी नूं दर्शन करवाउंदे हाँ। भगत चुनी लाल जी जो स्थानक सरकारां दे जो मंत्री ने, आओ आप जी दे रूबरू करदे हाँ श्री चुनी लाल भगत जी। मैं सिख चैनल का धन्यवाद करदा कि जिहड़े ये समाज सेवा दे विच अपने हिंदुस्तान अते बाहरलियां देशां दे विच सेवा कर रहे हैं, लोकां ताईं जिन्ना भी है ये हर व्यक्ति तक अपना पैगाम जड़ा है पहुँचा रहे ने, तो मैं अपने वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा चैनल दा, और उम्मीद करदा कि इसी तरह ही ये अपनियां सेवावां जड़ियां ने लोकां प्रति पहुँचा के और जानकारियां जड़ियां ने देंदे रहेंगे ताकि समाज का भला हो सके। भगत जी, सानू बड़ी खुशी हुई अज आप जी दे नाल रूबरू होए हाँ। समूह संगतां जानना चाहुंदियां ने कि आप जी अपने बचपन बारे कुछ संगतां नू चानना पाओ। मेरा जीवन बड़ा संघर्षमयी, बचपन तो ही संघर्षमयी रहा। मैं बड़ा एक उस परिवार दे विच मैं पैदा होया कि जड़ा परिवार जड़ा ही कोई बड़ा आगू वधिया होया परिवार नहीं सी। गरीबी दी रेखा दे विच मैं अपना बचपन जड़ा ही संघर्ष अपना शुरू किया। उहदे नाल अपने परिवार प्रति, उहनां दी रोजी रोटी वास्ते मैं संघर्ष करदा रहा। सन 57 दे विच मैं एक स्पोर्ट्स का कारोबार शुरू किया। उहदे नाल अपने परिवार की रोजी रोटी कमा के अपने घर नूं चलांदा रहा। फिर ये जड़ा 69 दे विच एक इलेक्शन होए, उहदे विच मैं कांग्रेस कोलों बहुता खुश नहीं सी, तो मैं जनसंघ पार्टी दे नाल अपना जोड़िया अपने आप नूं, और मैं जनसंघ दे विच काम करदा रहा, जिथे मैं अपने परिवार नूं पालन वास्ते अपना काम करदा रहा। सपोर्ट्स दा मेरा काम सी, उहदे नाल थोड़ा बहुता टाइम जिहड़ा मैं जनसंघ पार्टी प्रति भी देंदा रहा। उहदे बाद मैनू
पार्टी ने जिम्मेवारियां भी दित्तियां। वार्ड लेवल ते मैनू प्रधान बनाया गया और मैं पार्टी का काम जड़ा ही थोड़ा मता अपने काम का नुकसान करके और पार्टी का काम जड़ा वो भी मैं करता रहा, नाल ही अपना परिवार पालन का काम करता रहा, नाल ही पार्टी का भी काम जड़ा करता रहा, क्योंकि साड़ी पार्टी जड़ी आ वो यो ही कहती है कि अपने घर का भी काम चलाओ और पार्टी वास्ते भी सवेरे शाम नू टाइम जड़ा है जिन्ना तुहाडे कोल निकले वो टाइम जड़ा है दवो, उहदे मुताबक ही मैं चलता रहा ते मैं पार्टी दे नाल जुड़िया रहा। तो अज भी उस ही पार्टी दे नाल जुड़िया हाँ, क्योंकि जनसंघ पार्टी जड़ी आ 1977 दे विच ये पार्टी जड़ी आ जनसंघ अते होर जड़ियां दूजियां देश दियां पार्टियां सन इन्हां ने एक पार्टी बना ली सी जनता पार्टी। 1977 दे विच असी जनता पार्टी दे बैनर थले इलैक्शन लड़े सी, इलैक्शन जड़ा ही कांग्रेस नूं बड़ियां थोड़ियां सीटां मिलियां, इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गया, तो उस वेले कांग्रेस की बड़ी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि एमरजेंसी तो लोग जड़े ने उकता गए सन, एमरजेंसी 19 महीने एमरजेंसी जड़ी आ लगी रही, उहदे नाल सारे हिंदुस्तान के लीडर जड़े ने इन्हें जेलों के विच बंद करते हैं, चाहे जनसंघ के हैं चाहे होर भी पार्टियां दे कैबिनेट सन, सारियां पार्टियां दे लोग जड़े ने अकाली दल दे सन ये सारे इन्हां ने जेलां च बंद कर छड़े। पंजाब दे लोकां ने एमरजेंसी दे विच सब तो वध गिरफ्तारियां दित्तियां हन, पिंडां दे लोकां ने, शहरां दे लोकां ने, बीजेपी दे लोकां ने, कुछ लोकां नूं इन्हां ने घरां च भी उदों फड़ लिया, उहदे नाल लोकी जिहड़े ने कांग्रेस तों बड़े परेशान हो गए सी और जनता पार्टी नूं लोगों ने समर्थन दिता सारे हिंदुस्तान दे विच। उस वेले जिहड़े मोरारजी देसाई जी मुख्यमंत्री बने, चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, पर उदों असी 2-2.5 साल राज जिहड़ा कीता वाजपाई जी फॉरन मिनिस्टर बने सी, उहदे बाद कई चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़े वक्खो वक्ख ग्रुप जिहड़े इकट्ठे होए सन उहनां दे विचकार आपो अपनियां किस्म दियां खिच्चां जिहड़ियां ने निकलियां। असी फिर भारतीय जनता पार्टी 1981 च बना ली, तां उहदे नाल इह जिहड़ा ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी दा, जनसंघ दा ग्रुप जिहड़ा सी ना भारतीय जनता पार्टी बना ली सी, जिहड़ी अज तकर हुण चलदी आ रही आ, जिन्हां दे लीडर वाजपाई जी सन, अडवाणी जी सन, इसे तरह अज होर भी लीडर सारे अगे हैं, भैन जी हैं सुषमा जी, जेतली जी अते होर यशवंत सिंह जी, ये सारे जिहड़े लीडर हैं उदों दे ही सारे लोग असी जुड़े हाँ, चल रहे हाँ। पंजाब दे विच भी इस तरह ही जो है भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा, असी श्रोमणी अकाली दल दे नाल मिल के पहली बार मैं इलैक्शन जड़ाई, मैनू पार्टी ने 1997 दे विच इलैक्शन लड़न वास्ते किया, जबकि उस वेले मैं 1997 विच पहली बार इलैक्शन लड़िया सी, उस तो पहला ये जिहड़ी सीट है मेरे वाली ये हमेशा कांग्रेस दे कोल ही रही, जबकि हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच बड़ी मुश्किल दे नाल 16-17 सीटां 1977 दे विच कांग्रेस नूं मिलियां सन, पर उस वेले भी ये जिहड़ी मेरे वाली सीट है साउथ, ये सीट जिहड़ी है उदों भी कांग्रेस कोल सी,
कांग्रेस जीत गई थी इतों। इत्थे कांग्रेस का बड़ा वड्डा बोलबाला सी, पर असी 69 तो लग के ता 97 तिकरा इस इलाके दे विच लोकां दी सेवा लोकां दे काम करदे आए, जिहदी वजह दे नाल इह सीट जिहड़ी आ 1997 विच मैं पहली वारी मेरी पार्टी ने जीती। उहदे बाद मैं 2 दे विच फिर इलैक्शन लड़िया 5 साल दे बाद। उस वेले कांग्रेस दा थोड़ा जिहा बोलबाला है सी, मैं 2 दे विच इलैक्शन हार गया। उहदे बाद फिर इलैक्शन जिहड़ी 5 साल दे बाद, क्योंकि मैं 2 तों 7 तिकरां लोकां दे नाल संपर्क जिहड़ा जमीनी तौर दे उत्ते जोड़ी रखिया सी और लोगों के नाल प्यार जड़ा सी बनाई रखिया, ताकि लोगों ने महसूस किया कि 2 दे विच जड़ा भगत जी नूं असी हराया वे सतों गलती हो गई, क्योंकि एक ऐसा आदमी सेवादार सेवा करने वाला टैलीफोन के उत्ते सेवा करने तैयार रहिंदा, टैलीफोन ते आने तैयार हो जाता, इहो जिहा बंदा सी हरा के सतों गलती हो गई आ। उस वेले भी लोग मेरे मुंह ते मैनू कहन लग पे कि सतों गलती हो गई आ। मैनू 7 दे विच फिर इलैक्शन लड़न दा मौका मिलिया, मैनू पार्टी ने टिकट दित्ती। 7 दे विच फिर मैं इलैक्शन जिहड़ा है जित के पार्टी नू, उस वेले साडी पार्टी नू 30 दे विचों 19 सीटां जिहड़ियां ने असी बीजेपी ने पंजाब च जित्तियां सन। 5 साल फिर श्रोमणी अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी दी सांझी सरकार जिहड़ी आ चली और असी पंजाब दे विच डिवेलपमेंट दे काम, बेतहाशे डिवेलपमेंट दे काम कीते। इत्थों देखणा कि जिहड़े लोग दिल्ली तों साडे लीडर आउंदे सी उह कहिंदे सन तुहाडा शहर जिहड़ा है सातों पछाणिया नहीं गया। पहले जद असी आए सी ते शहर दी नुहार जिहड़ी कुछ होर सी, हुण बन गए ओवर ब्रिज, बन गए कई कुछ बन गया शहर दे विच, सारे शहर दे विच। उहदे नाल डिवेलपमेंट जिहड़ी आ बहुत होई, लोगां ने भी देखिया कि सरकार ने डिवेलपमेंट कराई आ। 2 दे मुकाबले 7 तों 12 तिकरां जिहड़ी डिवेलपमेंट होई, असी उसे मुद्दे नूं बना के फिर 12 दे विच इलैक्शन जिहड़ा है असी लोगां ने लड़िया। तां फिर साडी सरकार जिहड़ी आ दोबारा सरकार जिहड़ी आ लोकां ने बनाई आ। भगत जी, जिवें आपां नूं इन्हां ने दस्सिया कि इन्हां दा जिहड़ा जीवन है संघर्षमई रहा, 69 विच इह सियासत विच आए है और 97 विच जा के इह संपूर्ण चढ़े ने, MLA साहब बने ने, ते 2002 दे विच इन्हां नूं लोकां ने गलती दे नाल इन्हां नूं जिता नहीं सके, इन्हां नूं हार दा मूंह देखना पिया, पर लोकां ने महसूस किया कि साडे सारे काम तां भगत जी सवारदे सन, असी इन्हां नूं हरा के गलती कीती है। उन्हां ने अपनी हार जिहड़ी है उहनूं फिर अपनी गलती नूं उन्हां ने सारिआं ने महसूस किया, आम पब्लिक ने, ते फिर 2002 दे विच इन्हां नूं फिर उन्हां ने इलैक्ट करके MLA साहब बनाया, ते 2007 च फिर, ते 2002 दी हार तों बाद 2007 दे विच इन्हां नूं उन्हां ने फिर इन्हां दी गल च हार पाए, ते 2012 हुण इस वेले इन्हां नूं इन्हां दी मेहनत दा जिहड़ा फल मिलिया, क्यों? क्योंकि इन्हां ने शुरू तों लै के हुण तक अणथक इह सेवादार ने समाज दे, ते अपने शहर वास्ते शहर वासियां वास्ते कोई जात पात की गल नहीं है, ये हरेक धर्म वालियां दे नाल पूरा मिल के ये कार्य करते ने। असी इन्हां कोल आए हाँ बड़े सत्कार नाल, इन्हां ने सानू जी आया आख्या है, ते असी देखते हाँ कि इन्हां दे घर विच इन्हां दे दरबार विच जिहड़ा भी कोई आउंदा है खुशी नाल ही इत्थों जांदा है, ते उन्हां दीआं सारीआं मुश्किलां हल करदे ने। जिन्नी इन्हां दी कोशिश इन्हां को हो सकदी है
पॉसिबल ये सारा करते ने। सो बहुत ही इन्हों का धन्यवाद है भगत जी। मैं आप जी ये पूछना चाहना है कि सियासत में आप जी के रोल रोल मॉडल लीडर केड़े ने, किन्हां नूं तुसीं सियासत च अपना रोल मॉडल मानते हो? मैं पहले भी बेनती की कि साडे जिहड़े केंद्रीय लीडर हैं, ये गल तुहानू मननी पेगी कि भारतीय जनता पार्टी कोल जिहड़े केंद्र दे लीडर हैं, वो उन्हां दी इमानदारी, उन्हां दी काबिलियत, उन्हां दा तजर्बा हो सकदा, मेरा ख्याल है कि होर किसे पार्टी दे कोल इन्ने वधिया लीडर जड़े हन ना होन, जिस तरह के वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने, जेतली जी ने, भैन जी सुषमा जी ने, यशवंत राय जी ने, इस तो होर भी नाल जोशी जी ने, ये तो मोरली लाइन दे साडे लीडर हन। पर जेडे लीडर इन्हां दे नाल साइड बाई साइड चल रहे हैं, वो जेडे लीडर हैं उन्हां दी काबली जिहड़ी आ, दूजी लाइन दे जिहड़े लीडर हैं उन्हां दी काबली जिहड़ी आ, बड़ी काबलीयत ही। तो मैं इन्हां लीडरां नूं या इन्हां लीडरां दे सारयां दे नाल ही चल के या उन्हां दी छत्र छाया थले चल के, तो मैं समझदा हाँ कि साडा देश जिहड़ा ही, क्योंकि हर व्यक्ति जिहड़ा ही उहदे वास्ते पहला अपना देश, फिर होर बाकी सब कुछ, अगर देश है तो असी हाँ। तो ये जिहड़े लीडर हैं अपने देश की रहनमाई या देश नूं बचाउण वास्ते, ये लीडर जिहड़े हैं ये बड़मुल्ला योगदान पा सकते हैं। तो मैं इन्हों का सेवादार और नाल ही मैं ना लीडर अपना एक नंबर ते अपने वास्ते समझदा हाँ। तो मैं ये तुहानू दसना चाहना कि भारतीय जनता पार्टी कोल जिहड़े लीडर हैं, पंजाब दे कोल जिस तरह साडे कोल प्रकाश सिंह बादल जी हैं, जिहड़े लोगों के दिलों के विच वसे हुए हैं, वो भी पंजाब दे विच हर व्यक्ति दे दिल दे विच इन्ने वसे हैं कि लोग महसूस करते हैं कि बादल जी हैं जिहड़े इस पंजाब दे विच हिंदू सिख मुसलम जिन्ने लोग जुड़े हैं, जातियां च जुड़े हैं, उन्होंने नाल लै के चलते पे हैं और चल रहे ने। इन्हों का बड़ा एक भाजपा अपने बादल साहब नूं तां देखो सारे साडे जिहड़े लीडर ने भी मनदे ने, और जिहड़े साडे कांग्रेसी वीर ने भी उन्हां नूं मनदे ने कि बड़े सुझे हुए लीडर हन। बेशक उन्हां नूं किते नुक्ताचीनी भी करनी पैंदी आ, पर इस गल ते उह कायल ने कि बादल साहब दा सियासत दे विच बड़ा वड्डा तजर्बा है। बहुत वधिया है, बादल साहब बड़े वधिया लीडर ने, सब लोग उन्हां दी लीडरी तो बड़े खुश ने। ये भगत जी आप जी की गल जिहड़ी काबले तारीफ है। भगत जी आप जी नूं मैं एक सवाल करना चाहुंदा कि जिहड़े NRIs वीर ने जिहड़े विदेशां विच रहिंदे ने, अपने घर बार परिवार जायदादां छड्ड के विदेशां विच गए ने, अपने देश वास्ते मेहनत करते ने, पर उन्हां दीआं जिहड़ीआं जायदादां इत्थे पिछे हन, उन्हां दीआं बड़ियां मुश्किलां आउंदीआं उन्हां नूं, कईआं नूं जमीन बारे घर बारे, जिवें आ जलंधर विच ही मेरे एक मित्र ने सरदार सुरिंदर सिंह जी, उत्थे प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी दे लंडन विच, पर इत्थे उन्हां दे पलाट ने दो। एक दिन उन्हां दे पलाट विच, क्योंकि 60 मरले दा उन्हां दा पलाट एक खाली पिया हैगा, उहदे विचों 20 मरले पलाट कोई बंदा वलन लग पिया, कंध करनी शुरू कर दित्ती। सानू पता लग्गिया, असी चलो फोन ते उन्हां नूं रोकिया, उन्हां नाल मिले भी। इहो जे अनेकां वीर होर होणगे
NRIs जिन्हां नूं इदां दीआं प्रॉब्लम्स आउंदीआं ना उहनां कोल कोई रजिस्ट्री ना उहनां कोल कोई डॉक्यूमेंट एवें तरलेदार मुंडे लै के जबरदस्ती ही उह कब्जा करना चाहुंदे सी पर उह कब्जा करन तों असमर्थ रहे क्योंकि डॉक्यूमेंट साडे कोल सी असी अप्रोच कीती उहनां नाल गलबात कीती मैं भगत जी आप जी नूं बेनती करना चाहुंदा आप जी नूं पुछणा भी चाहुंदा कि आप जी दी सरकार NRIs वास्ते की कर रहे ने आप जी इन्हां बारे की योगदान पा रहे हो सो इन्हां बारे जरा चानना पाओ रशपाल जी NIR जिहड़े लोग साडे पंजाब चों खास करके दूसरे सूबयां विचों भी लोग बाहर गए ने लेकिन पंजाब दे विचों हर जगह ही अमरीका कनेडा इंग्लैंड इटली ये सारे देशों दे विच साडे पंजाब तों लोग जिहड़े ने गए ने इहड़े बाहर गए ने लोकी इन्हां दा बड़ा साडे वास्ते योगदान ही कि उत्थे कम करदे ने कम करके पिछे पैसा भेजदे ने उहदे नाल कईआं संस्थावां नूं फायदा हुंदा कईआं पिंडां नूं फायदा हुंदा कईआं परिवारां नूं फायदा हुंदा उह कुछ देंदे ने इत्थों लैंदे कुछ ने बाकी अगर वह जिस तरह कि तुसां प्लाटां दी गल कीती आ कोई इनवेस्टमेंट उहनां लोकां ने कीती होगी प्लाटां दे रूप दे विच होर भी पिंडां दे विच जमीनां वगैरह दी भी इनवेस्टमेंट उह करदे नहीं पैसा कमा के उहड़ा पैसा ही बाहर ला उह साडे पंजाब च आउंदा पंजाब दे लोकां नूं और पंजाब नूं उहदा फायदा हुंदा एक तां इह फायदा हुंदा कि जिहड़ी बाहरली मुद्रा है उह अपने मुल्क च आउंदी आ उहदे नाल बड़ा मुल्क दे विच फायदा हुंदा क्योंकि बाहर देशां नूं जिहड़ी कोई चीज़ असां खरीदनी है अपने कोल मुद्रा होणगीआं फिर ही खरीद सकने आ तो ये NIR एक बनाया दा सैल भी बनाया दा सरकार ने उहदे विच NIR लोकां दा जिहड़े केस ने वगैरह ने जांदे ने उह सपोर्ट करदे ने NIR लोकां दी प्रॉपर्टी दा मसला या होर कई झगड़े जिहड़े ने उह लोक जिहड़े ने महकमा जिहड़े इहनां नूं सपोर्ट करदा है पूरी बाकी फिर भी जिहड़े जिस तरह तुसीं दसी आ गल कि हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर कोई इत्थों दे बंदे दा ही कोई प्लाट घेर लवे या उह कर लवे तो कोई ढिल मट हो जांदी आ जिहड़ा NIR दे नाल जुड़ जांदी है ना गल ते फिर उह दे केस दी जिहड़ी अहमियत ही होर बन जांदी आ जिस तरह तुसीं दस्सिया कि असीं मतलब कि डॉक्यूमेंट दिखाए लेकिन मेरा ख्याल कि इत्थे अगर इंडिया दे विच कोई किसे नाल झगड़ा होवे ना उह डॉक्यूमेंट तो आए तद नहीं मनदे पर फॉरन दे आदमी वास्ते उह ज्यादा जिहड़ा ना उह हमीयत बन जांदी आ कि भाई एड़े बाहर लोकी बैठे ने उहनां वास्ते सरकार जिहड़ी आ उहनां ने भी कई कमीशन बनाए ने NIR कमीशन बनाया दा कि ताकि इहनां लोकां दे नाल इत्थे ज्यादती नहीं होनी चाहीदी भगत जी जो आप जी दे पास महकमा है स्थानक सरकारां अते मैडिकल एंड सर्च सेंटर जो आप जी के पास है उस बारे आप जी दा की योगदान है अजकल आप जी इन्हां बारे की योगदान पा रहे हो संगतां नूं चानना पाओ ये जिहड़ा मेरे कोल महकमा ही मैडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन उहदे विच असीं लोग बड़ा एक तां इह कम कर रहे हैं कि डॉक्टर नवें नूं पढ़ा रहे हैं एक इह कम कर रहे हैं कि जिहड़े डॉक्टर ने MBBS कीती उहनां नूं MD करा रहे हैं हुण असीं इहनां हस्पतालां दे विच साडे कोल सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टरां दी बड़ी घाट चाहे कोई कैंसर दा इलाज है हार्ट दा इलाज है चाहे कोई होर जिहड़े ने इलाज ने साडे हिंदुस्तान दे विच सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टर जिहड़े ने उहनां बड़ी घाट है असीं हुण भी हुण सुपर स्पैशलिस्ट दा जिहड़ा उह भी शुरू कर रहे हां कि इत्थों डॉक्टर जिहड़े ने सुपर स्पैशलिस्ट बन पहले तां MBBS हुंदे सन लोक MBBS नूं ही बड़ा वड्डा डॉक्टर समझदे हन फिर हुण MBBS तों ही हुण MD नूं फिर बड़ा वड्डा समझण लग पए पर हुण इह जिहड़े DM
ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਂਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ